वीडियो में हम लोगों ने जो है टॉर्क के बारे में पढ़ा था। टॉर्क के बारे में हम लोगों ने यहाँ तक बात खत्म की थी कि जब हम लोग डिफरेंट फोर्सेस लगाते हैं एक कॉइल के ऊपर, तो उस कॉइल के दोनों साइड पे हम इक्वल अमाउंट की या इक्वल मैग्नीट्यूड की दो फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो कि उस कंडक्टर में या उस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं जब उस कॉइल को हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करके एक मैग्नेटिक जो है मैग्नेट के दो पोल्स के दरमियान इंसर्ट कर देते हैं। सिमिलरली यही वाला काम, यही टॉर्क जो है, हमने कहा था कि इसी टॉर्क के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं जिसे हम लोग गैल्वानोमीटर कहते हैं। गैल्वानोमीटर क्या इंडिकेट करता है? गैल्वानोमीटर बेसिकली करंट को इंडिकेट करता है जो कि किसी भी सर्किट में से पास हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप इस तरीके से समझ लें कि आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर जो है ये आपके पास गैल्वानोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के साथ जो है आपके पास एक हाई वोल्टेज की बैटरी इस तरीके से लगी हुई है। और बाद में सर्किट जो है बहुत ज़्यादा एडवांस भी हो जाते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी लगे होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग इतना ही समझते हैं कि हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है, रेजिस्टेंस है, हमारे पास वोल्टेज है और जैसे ही बैटरी कनेक्ट हो जाती है तो इस वोल्टेज की वजह से, चूँकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल, तो हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे ही करंट गैल्वानोमीटर के पास आता है तो गैल्वानोमीटर फौरन जो है इंडिकेट कर देता है कि आपके पास इस सर्किट के अंदर इस दौरान कितना करंट पास किया है। आपके पास जो है ना लैब के अंदर इस तरीके से बने हुए रेजिस्टेंस बॉक्सेस होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस आप लोग यूज़ करते हैं, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई होती हैं। यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस लगी होती है और साथ ही आपके पास जो है आप यहाँ पर जो है वोल्टेज बैटरी लगा देते हैं, आपके पास कोई भी वोल्ट की बैटरी दे देते हैं जो कि बड़े बड़े सेल्स की तरह की बनी हुई होती है, वो वोल्ट बैटरी दे देते हैं आपको, आप इसे कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको जो है वो गैल्वानोमीटर दे देते हैं। कुछ इस किस्म का जो है गैल्वानोमीटर डिवाइस बना होता है और उसके साथ आप इसे कनेक्ट कर लेते हैं। गैल्वानोमीटर में यहाँ जो है ये अगर गैल्वानोमीटर है तो यहाँ पर जो है स्केल बना होता है, इसका पूरा कंप्लीट स्केल होता है, उस स्केल के ऊपर रीडिंग लिखी होती है और गैल्वानोमीटर की जो है ये नीडल होती है। जैसे ही ज़रा सा करंट भी किसी सर्किट के अंदर से फ्लो करता है ना तो फौरन गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो एक्टिव हो जाती है और उस पॉइंट पर जाके स्टिल हो जाती है, रुक जाती है जितना करंट उसमें से गुजरा है। अगर उसमें से करंट बढ़ता चला जा रहा है, आप रेजिस्टेंस निकालते जा रहे हैं, मतलब कि आपको मालूम है ना कि रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करती है, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करती है, आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स अप्लाई किया हुआ है, अगर आप इस तरीके से करें कि हर बॉक्स में से आप जो है बारी बारी रेजिस्टेंस निकालते चले जाएँ, तब आपने रेजिस्टेंस निकाल दिए, कम कर दिए सर्किट की, तो आपके पास जो करंट की अमाउंट है बढ़ती चली जाएगी। आप देखेंगे कि आपके सर्किट के अंदर जो नीडल है वो बहुत तेज़ी से मूव करेगी और ये इंडिकेट करेगी कि आपकी जो करंट की वैल्यू है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो अब क्या होता है, इस तरीके से हम अपने गैल्वानोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम बाकायदा गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन करते हैं। गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की जाती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक यू शेप का बार मैग्नेट है, इस तरीके का आपके पास एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के जो पोल्स हैं ना, मतलब कि सर सी बात है 3D में होगा, हम इसे जो है 2D में बना रहे हैं, वो इस तरीके से कि इस तरीके से बनाते हैं कि यहाँ पर इसके जो पोल्स हैं ना, सर सी बात इसके तो पोल्स होंगे, इस तरीके से ये अंदर की तरफ आते हुए यूं जो है यू शेप का बनता है और यहाँ पर भी जो है इस तरीके से है, ये हमारे पास एक यू शेप का जो है बार मैग्नेट है जो कि 3D में आपके पास अवेलेबल होता है, यहाँ पे हमने 2D में बनाया है। हमने एक ऐसा बार मैग्नेट यूज़ करना है जो कि यू शेप का हो और जिसके जो अपर पोल्स हैं यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो कनकेव शेप के हों ताकि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर सके। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास साउथ पोल है। अब हम क्या करते हैं कि इस यू शेप के मैग्नेट के अंदर हम लोग जो है एक सिलेंड्रिकल जो है हमारे पास मैग्नेट जो है मटेरियल है, मेटालिक मटेरियल इस तरह का सिलेंड्रिकल शक्ल का, या उसे थोड़ा सा इस तरीके से बना लें कि इस तरीके से हमारे पास ज़्यादा ईजी रहेगा कि ये जो है कुछ इस तरीके का यू होगा, सर्कुलर शेप का जो है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल है बॉडी, इसे हम यहाँ पर छोटा सा करके बना लेते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं वहीं पर बना रही हूँ। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉडी आ गई जो कि इस दो पोल्स के दरमियान, जो कि कनकेव शेप के पोल्स हैं, उनके दरमियान में पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है एक रेक्टेंगल वायर लेते हैं, रेक्टेंगल कॉइल लेते हैं और इसे इस पूरे जो है अपने सर्कुलर सिलेंडर उसके ऊपर राउंड कर देते हैं। ये जो सर्कुलर सिलेंडर है ना, ये मेटेलिक मटीरियल है, लेकिन ये जो है मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है, हमारे पास मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है, जबकि हमारे पास जो है मेटेलिक मटेरियल है, मतलब कि इसके अंदर मैग्नेट की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। इस वजह से हमने इसके ऊपर एक कॉइल को जो है वाउंड कर दिया, अच्छी तरीके से लपेट दिया।
अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम ये काम करते हैं कि ये जो कॉइल हमने लपेटी है, इस कॉइल को लपेटने के बाद इसका एक सिरा ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास फाइन सस्पेंशन वायर है। चूंकि ये बिल्कुल सस्पेंड होती है और बहुत ज़्यादा फाइन होती है, इसमें कोई भी हेडर या कोई भी थ्रेड या कोई भी गिरा वगैरह नहीं लगी होती, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इसलिए हम इसे नाम रख दिया कि ये फाइन सस्पेंशन वायर है। इस तरीके से इसके ऊपर जो है ये वाउंड की हुई है, ये हमारे पास जो है कॉइल इसके ऊपर जो है वो चढ़ी हुई है इस तरीके से, और इसका थोड़ी सी शेप को सही कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास सिलेंडर आ गया और हम लोगों ने जो वायर है इसको ऊपर की तरफ लटका दिया है, तो ये अब हमारे पास सस्पेंशन वायर आ गई, जैसे यहाँ पे सिर्फ मैं फाइन वायर लिख देती हूँ, बेसिकली इसका पूरा नाम फाइन सस्पेंशन वायर है। इस तरीके से ये कनेक्ट होगी, इस वायर के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जो है एक स्प्रिंग के थ्रू इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब ये जो है सर्किट कम्प्लीट हो गया। अब हम लोग जो ये कॉइल यूज़ की थी, इसे हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया ताकि हम यहाँ पर टॉर्क अप्लाई कर सकें, और जिस सिलेंडर के ऊपर अप्लाई किया उस सिलेंडर को हम लोगों ने मेटेलिक मटेरियल इसलिए लिया ताकि जब भी कॉइल उसके ऊपर इंजर्ट हो, करंट पास हो, तो कॉइल की वजह से वो जो है सिलेंडर वो मैग्नेटिक मटेरियल तब जाके बने। अगर वो पहले मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकता है, वो इस तरीके से कि कॉइल को अपने साथ ही हर वक्त अटैच रखेगा और मूव नहीं करने देगा, लेकिन जैसे करंट पास होगा तो कॉइल की थोड़ी सी मूवमेंट से हमें जो है पता चल जाएगा। और ये जो है हमने सिलेंडर को मैग्नेटिक मटेरियल तो बनाना है, लेकिन उस वक्त बनाना है जब यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो पास हुई। तो अब जब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर से पास करेंगी तो ये सिलेंडर जो है मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड को जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो फ्लो कर रही है, इस तरीके से बना देते हैं कि हमारी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है नॉर्थ से टूवर्ड्स साउथ, तो उसे वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, यानी बेसिकली हमारे मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्ट करते हैं दूसरे एंड से, उसे इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि वो करंट को इस वाले हिस्से को हम लोग बाद में सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, चूँकि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ना कि कॉइल के हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, यहाँ से निकाल के इस तरीके से हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोगों ने इसी दोनों तरीके से पकड़ कर यहाँ पर ये फाइन सस्पेंशन वायर बनाने के बाद इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया है, तो इसमें जो है करंट भी फ्लो करना शुरू हो जाता है, यानी कि कंप्लीट जो सर्किट है वो बिल्कुल टॉर्क वाला सर्किट ही है, जिसमें करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारे पास एरिया बिल्कुल सेम रहता है। बस फर्क ये आता है कि यहाँ पर हम कॉयल को जो है एक फाइन सस्पेंशन कॉयल बना देते हैं, यू शेप का मैग्नेट यूज़ करते हैं, कंकेव कॉइल यूज़ करते हैं ताकि मैग्नेटिक फोर्स को या मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, और स्प्रिंग से दूसरे हिस्से पर इसलिए कनेक्ट करते हैं कि इससे हमने सिलेंडर को सस्पेंशन नहीं छोड़ना, बल्कि सिलेंडर में से जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैं इस सर्किट इस जो हमारे पास सिलेंडर है वो मैग्नेटिक मटेरियल बना है, उस करंट को हमने थ्रू इस स्प्रिंग के जरिए दूसरे हिस्से तक भी ट्रांसफ़र करना है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने स्प्रिंग को इस्तेमाल किया। अब इसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है। अब इस केस में इसकी वर्किंग में हमारे पास दो टॉर्क आ जाते हैं, एक जो है हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाता है और दूसरा जो है हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ जाता है। अब ये जो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है ना, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारे पास इस तरीके से आता है कि हमें मालूम है कि हमारी जो कॉइल है, जाहिर सी बात है हमने लास्ट वीडियो में बात की है कि बल्कि पीछे ही हम लोगों ने बात की, इमेज हमने बनाया हुआ है कि ये हमारे पास कॉइल थी और इसकी दोनों साइड पे दो इक्वल फोर्सेस लग रही थी, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, जिस वजह से यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इक्वल अमाउंट में थी और उन्होंने आपस में जो है डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया था। तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था उसी ने तो कॉइल को रोटेट किया था, मतलब कि कॉइल के रोटेशन की वजह ही वो टॉर्क बना था। तो जिस टॉर्क की वजह से जैसे ही करंट फ्लो करता है तो करंट जब इस कॉइल के अंदर से फ्लो करना शुरू करता है तो इस पर इक्वल अमाउंट की फोर्सेस लगती हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और इस कॉइल को रोटेट कर देती हैं। उस टॉर्क को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास डिफ्लेक्शन टॉर्क है, जिसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन एक हमारे पास जो है रिस्टोरिंग फोर्स भी और रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, जो कि हमें ये बताता है कि हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से जो यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है उनकी वजह से जो यहाँ पर हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया है, जिसकी वजह से ये कॉइल डिफ्लेक्ट की है, उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से हमारी जो फाइन सस्पेंशन की वायर है ना ये भी थोड़ी सी मूव कर जाती है। जैसे ही ये मूव करती है तो ये किसी ना किसी एंगल पर मूव करती है, तो यहाँ पर जिस एंगल पर ये टॉर्क मूव करती है यानी कि वायर जिस एंगल पर मूव करती है उसे हम लोग कहते हैं कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है।
मतलब कि जितना इस सस्पेंशन वायर के अंदर जो है वो आता है एंगल, जितने एंगल पे ये मूव करेगी वो सारा का सारा एंगल हमारे पास रेस्टोरेंट आ जाएगा। जैसे बेसिकली हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि सी इंटू थीटा, बेसिकली ये बताता है कि सी जो है इस फाइन वायर की जो है वो हमारे पास इलास्टिसिटी है, कि इसमें कितनी इलास्टिसिटी है, ये कितना अगर इसको खींचा जाए तो ये अगर इसमें से करंट पास करे और डिफ्लेक्टिंग ड्रॉप प्रोड्यूस हो जाए तो ये कितना डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो इसकी इलास्टिसिटी और जितने एंगल पे ये डिफ्लेक्ट करती है उसका प्रोडक्ट जो है हमारे पास जो है टॉर्क रिवर्स यानी कि रिवर्स टॉर्क कहलाता है। अगर हम कह दें कि रिवर्स टॉर्क हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर है या हम ये प्लस दे रहे हैं तो ये बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ये हमारे पास सी थीटा और ये एन आई ए बी कॉस थीटा के ऊपर। यानी बेसिकली हमारा अब जो टॉर्क है हमने कंपेयर कर लिया है तो ये हमारे पास जो है इक्वल आ जाता है। बल्कि यहाँ मैं इसे काट नहीं सकती, मैंने सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, कॉस थीटा और थीटा को तो हम किसी भी तरीके से नहीं ना काट सकते। यहाँ पे हमारे पास थीटा ऐसे जैसे रहेगा और यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा। हम बेसिकली अगर यहाँ से करंट निकालना चाहें, करंट की वैल्यू निकालना चाहें, तो करंट की वैल्यू हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं कि करंट हमारे पास सी थीटा, और यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालनी हो तो बाकी चीज़ें जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएंगी जो कि एन आई ए बी है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने कॉस थीटा क्यों नहीं रखा। अब जो फर्ज कर लीजिए कि हमारी जो कॉइल है वो इस वक्त इस कंडीशन में थी कि हमारा जो थीटा है, मतलब कि जो हमारा थीटा है वो हमारी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और हमारी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है उसके दरमियान एंगल था। अगर हमारी कॉइल इस तरीके से पैरेलल पड़ी हुई है इस तरीके से, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि इस सिचुएशन में इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से होगा और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो हमारे पास जो है नहीं बल्कि इस तरीके से नहीं, हमें इस तरीके से करना है। हम लोगों ने तो कहा था कि जो हमारा थीटा है वो बी और जो है हमारे पास प्लेन एंगल के दरमियान एंगल है, सॉरी हम लोगों ने अल्फा को नहीं बल्कि थीटा को देखना है। तो हमारे पास जो थीटा है वो था एंगल हमारी प्लेन ऑफ द सर्ड कॉइल, कॉइल का जो प्लेन है वो इस डायरेक्शन में है और हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर एंगल जो है ज़ीरो आ जाता है और कॉस ज़ीरो जो है ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। हम लोगों ने जब इनिशियल स्टेट में रखी थी जब टॉर्क आया, हम सिर्फ इस बात की हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हम टॉर्क उसको कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि हमारी जो कॉइल का जो प्लेन है वो हमारे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के साथ इस तरीके से है कि वो पैरेलल है, तो जब वो पैरेलल है तो एंगल ज़ीरो हो जाता है और कॉस थीटा हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा को नहीं लिखते। और अगर मुझे सिर्फ करंट का रिलेशन निकालना हो तो क्यों ना मैं इस तरीके से करूँ कि थीटा को सेपरेट कर लूँ और सी और एन आई ए बी को इस तरीके से सेपरेट कर लूँ। अब ये जो चीज़ है ये मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है और यहाँ पर थीटा। और आपको मालूम है कि हमारे पास जब भी कोई चीज़ इस तरीके से हो कि आई अल्फा यानी कि डायरेक्टली का रिलेशन और थीटा हो तो हम उसे कांस्टेंट के बाद इज़ीक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट जो है हमारे पास सी डिवाइडेड बाय एन आई ए बी के इक्वल है, तो इसे मैंने यहाँ अल्फा से रिप्लेस करके डायरेक्ट रिलेशन बना दिया जो कि ये बताता है कि जितना कॉइल में से करंट पास होगा उतनी ही ज़्यादा उस कॉइल की फाइन सस्पेंशन के अंदर जो है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। और जितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, डिफ्लेक्शन का मतलब है कि थोड़ा सा करंट गुजरने से भी आपकी गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो सस्पेंशन वायर की मौजूदगी की वजह से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, फौरन ही डिफ्लेक्ट करेगी और आपको कुछ ना कुछ वैल्यू बता देगी कि आपके इतने करंट पास होने पर आपकी डिफ्लेक्शन की या गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो क्या आई है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली इस डिफ्लेक्शन की वजह से, करंट के पासेज की वजह से ही तो हमें डिफ्लेक्शन देता है। जैसे थोड़ा सा माइन्यूट सा करंट भी पास होगा किसी चीज़ से तो फौरन डिफ्लेक्शन मिल जाएगी जो कि ये इंडिकेट करेगी कि इस वक्त इस सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो किया है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये हमारी सेंसिटिविटी भी है, ये हमारी सेंसिटिविटी है और सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर है जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि थोड़ा सा भी अगर मिनिमम भी करंट गुजरा है तो मिनिमम करंट के गुजरने से भी कोई ना कोई डिफ्लेक्शन जो है वो शो हो जाती है। और हमारी जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड करती है, अगर ये हमारी सेंसिटिविटी है मैं इसे एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे नंबर ऑफ टाइम से, यानी कि उस कॉइल के नंबर ऑफ टाइम से सेंसिटिविटी जो है डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारा डिफ्लेक्शन है जितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई है उसके साथ, और सेंसिटिविटी जो है रिलेटेड होती है हमारा जितना कॉइल का एरिया उसके साथ, और सेंसिटिविटी ही रिलेट होती है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ।
बल्कि इसकी जगह हमें थोड़ा सा इस तरीके से कर लेना चाहिए कि इस फैक्टर को रहने देते हैं और बाकी तीन फैक्टर के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो सेंसिटिविटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं इन चीज़ों को बढ़ाकर। लेकिन हमें मालूम है कि हमारा जो करंट जितना ज़्यादा पास करेगा उतनी ही डिफ्लेक्शन होगी, जितना किसी चीज़ के अंदर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी उतनी उसकी जो है सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब कि वो थोड़ा सा करंट गुजरने से भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा, मतलब उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है। अब मुझे सेंसिटिविटी को बढ़ाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? बेसिकली जो फार्मूला है वो ये है कि आई इज इक्वल टू सी थीटा डिवाइडेड बाई एन आई ए बी के इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस फैक्टर को डिक्रीज करती हूँ, सपोज कि मैं इस फैक्टर को डिक्रीज करती हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो थीटा है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है इस फैक्टर को मुझे डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली मुझे सी डिवाइडेड बाई एन आई ए बी, और सॉरी मैं यहाँ पे आई लगा रही हूँ क्योंकि आई के लिए तो हम लोगों ने रिलेशन निकाला है, तो मुझे यहाँ पे सी डिवाइडेड बाई एन ए बी लिखना चाहिए था। हम लोग स्टार्ट में भी शायद मिस्टेक कर गए, यहाँ पर भी मैंने आई नहीं लगाना था, आई को तो हमने आई का भी तो रिलेशन निकाला है तो आई